सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे, दिल्ली से आ रही है, जहां पर भारतीय युवा कांग्रेस ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री भवन के सामने ही रसोई बना डाली। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और यहाँ पर जो गैस सब्सिडी है इसको लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। बड़ी खबर से फिलहाल आपको रूबरू करवा रहे हैं। जब से यहाँ पर गैस सिलेंडर के दाम बढ़े तब से कांग्रेस लगातार हमलावर है। स्मृति ईरानी को लेकर भी यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके यहाँ पर स्मृति ईरानी पर तंज कसा था और अब युवा कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर रोड पर ही रसोई बना दी गई है। अनोखा तरीका यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का अपनाया गया है। तरुण कालरा हमारे सहयोगी हमसे जुड़ चुके हैं। तरुण, एक अनोखा तरीका यहाँ पर युवा कांग्रेस ने अपनाया अपना विरोध करने का। बिल्कुल, यहाँ पर गोबर गैस लाई गई है, गोबर के जरिए तवे को आंच की जा रही है जिससे कि रोटी पक सके। प्रदर्शन इस बात पर हो रहा है कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने गैस के दाम ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर दी है जिससे कि आम आदमी की कमर टूट गई है और ये चुनावों के ठीक बाद हुआ है। यहाँ पर स्मृति ईरानी के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे कांग्रेस प्रदर्शनकारी। अभी बीते रोज ही महिला कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने शास्त्री भवन के बाहर एक मेमोरेंडम दिया था और प्रदर्शन भी किया था। पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को लेटर दिया था, लेकिन स्मृति ईरानी प्रदर्शन के दौरान बार बार कार्यकर्ताओं की जुबान में थी, क्योंकि वो बार बार स्मृति ईरानी को यही बात याद दिला रहे थे कि यूपीए के वक्त वो सड़कों पर उतरती थी, महज कुछ ही रुपयों की जब बढ़ोतरी गैस सिलेंडर के अंदर की जाती थी, लेकिन अब 144.50 रुपयों की बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा अब क्यों नहीं स्मृति ईरानी आम आदमी की आवाज उठा रही, अब क्यों नहीं स्मृति ईरानी महंगाई का मुद्दा उठा रही, अब क्यों नहीं स्मृति ईरानी महिला अपराध का मुद्दा उठा रही। यानी कि केंद्र की जो सरकार है वो सत्ता में रहती है तब उसकी जुबान कुछ और हो जाती है बीजेपी की, और बीजेपी जब विपक्ष में रहती है तब इन्हीं मुद्दों के ऊपर विपक्ष को घेरने की कोशिश करती है, और यही मुद्दा उठाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। और कांग्रेस पार्टी का एलिगेशन यह है कि चुनाव तनाव बीजेपी को इसी बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, यानी कि कांग्रेस को अपनी हार पच गई है और ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हम बीजेपी को सरकार बनाने में रोक पाए जबकि उनका सूपड़ा दिल्ली से साफ हो चुका है। जब ये प्रश्न किया गया कि सीए जैसा मुद्दा और महंगाई जैसा मुद्दा आप उठा रहे हैं लेकिन वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, तो उनका जवाब यह था बीवी श्रीनिवास का कि धीरे धीरे पब्लिक समझ रही है बीजेपी के हथकंडे और नेशन वाइड ये बढ़ोतरी हुई है, लिहाजा राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से जो चुनौती मिल रही है वो कांग्रेस के जरिए ही मिल रही है, इसीलिए आम आदमी और रसोई से जुड़े हुए आम गृहणियों से जुड़े हुए मुद्दे इसी तरह से कांग्रेस सड़कों पर उठाती रहेगी। जी तरुण, 149 रुपए की बढ़ोतरी मायने रखती है, ऐसे में केंद्र सरकार के ऊपर सभी का हमलावर होना जायज भी है? बिल्कुल, देखिए कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार गिरती हुई नजर आती है, लेकिन बहुत ही कम फैसले होते हैं जब विपक्ष के इस तरह के धरने प्रदर्शन का या प्रेशर पॉलिटिक्स का कुछ फायदा होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगर वाकई केंद्र के ऊपर दबाव बनता है और कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन के कारण कुछ दामों के अंदर बढ़ोतरी वापस ली जाती है या फिर स्टेट लेवल के ऊपर उन्हें स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है तब ये सही मायनों के अंदर किसी भी तरह के आंदोलन की जीत करार दिया जाएगा, लेकिन अगर ये रोल बैक नहीं होता या स्टेट लेवल के ऊपर सब्सिडी नहीं मिलती है तो ये सिर्फ एक प्रदर्शन मात्र तक सीमित रहता हुआ मुद्दा दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक तो अनाउंस नहीं किया है कि वो आम आदमी को रसोई गैस के ऊपर कुछ रिलीफ देने जा रही है। तरुण, यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, स्मृति ईरानी की एक फोटो ट्वीट करते हुए तंज कसते हुए अंदाज में कहा था कि हम भी आपके साथ हैं, सब्सिडी का ही वो उस वक्त विरोध करी थी, मुझे याद है 50 रुपए गैस के दाम बढ़े थे जिसके बाद स्मृति ईरानी सड़कों पर उतर आई थी, आज 149 रुपए बढ़ चुके हैं। स्मृति ईरानी के बयान का यहाँ पर सबको इंतजार कर रहे हैं और विपक्ष इसी बात को मुद्दा बनाकर स्मृति ईरानी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मोदी मंत्रिमंडल के अंदर एक बड़ा चेहरा है स्मृति ईरानी, और हालांकि सीधा उनसे मंत्रालय जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उन्हीं के ट्वीट, उन्हीं के जो विरोध प्रदर्शन है, जो यूपीए के वक्त गैस सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरी थी और मनमोहन सिंह सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया था, अब उन्हीं प्रदर्शनों की याद कांग्रेस पार्टी आज के प्रदर्शन के अंदर या ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी याद दिला रहे हैं कि सत्ता में आते हैं तो कांग्रेस के नेताओं के बोल बचन कुछ और हो जाते हैं और विपक्ष में रहते हैं तब उन्हें जनता से जुड़े हुए मुद्दों का ध्यान आता है, लिहाजा ये बीजेपी का दोहरा चरित्र ही दिखाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए तरुण।